नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप जो देख रहे हैं, ये कुछ साल पहले प्रदर्शनी मैदान हुआ करता था, आज गेट नंबर 2 लिखा हुआ है। अटल एकता पार्क आप देख सकते हैं लिखा हुआ। ये झांसी का बहुत सुंदर पार्क बन चुका है, अटल एकता पार्क। अब हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, दिखाते हैं कैसा जगमगा रहा है। ये जो मार्ग आप देख रहे हैं, ये सर्किट हाउस के लिए जाता है मार्ग। दूधिया लाइटों में पूरी झांसी दुल्हन की तरह जगमगा रही है। जगमगाए क्यों ना, क्योंकि हमारी वीरांगना झांसी की रानी का 19 तारीख को जन्मदिन है, जयंती मनाई जाएगी पूरे देश में। झांसी में देश के राजा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन है झांसी में, और बड़े धूमधाम से महारानी झांसी की जयंती मनाई जाएगी। ये आप जो देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश झांसी का इलाका है। ये झांसी से हम अपडेट दे रहे हैं मार्केट संवाद पर। ये जो सुंदर पार्क आप देख रहे हैं, ये पार्क अटल एकता पार्क के नाम से बन चुका है। 90% काम पूरा हो चुका है। इतना सुंदर पार्क कहीं नहीं मिलेगा आपको झांसी में। एक लौता पार्क है, बहुत सुंदर पार्क बनकर तैयार हुआ है। ये बैठने की व्यवस्था आप देख रहे हैं, चमचमा रही है। ये सुंदरता बड़ी खूबसूरत है, इसको देखते रहिए, निहारते रहिए। ये आप सामने जो देख रहे हैं, ये बारात निकल रही है। आज देव उठावनी है, जिसको हम ग्यास बोलते हैं, और देव उठावनी की पूरे देशवासियों को, झांसी की जनता को, मार्केट संवाद परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे गांव में पुरानी कहावत हुआ करती थी, देव उठे गुड़ पाड़े खाएं, रणगन के ब्याह हो जाएं। आज से दूल्हा बनने का सिलसिला चालू हो गया है, और शादी की आज बारात देख रहे होंगे सामने जो निकल रही है। और ये पटाखे आप देख सकते हैं, आतिशबाजी को, ये बारात की आतिशबाजी है जो आप देख रहे हैं। काफ़ी दिनों से दूल्हा क्या, अड़ोस पड़ोस के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब हमको दावत खाने को अच्छी सी मिले, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा था, इसलिए दावत का सिलसिला काफ़ी कम था, क्योंकि 50 लोग की ही अनुमति मिलती थी प्रशासन से। अब जैसे ही कोरोना काल थोड़ा सामान्य स्थिति में पहुंचा है, अब हर व्यक्ति दावत का मज़ा लेना चाहता है। सर्दी का मौसम है, बारात में मज़ा लेकर नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, और अच्छे अच्छे पकवान, गरम गरम दूध, हलवा, रसगुल्ला गरम गरम खाना चाहता है। और आज मिलेंगे भी उनको, क्योंकि बारात जो निकल रही है समय। ये कितना खूबसूरत अटल एकता पार्क है, आप सामने देख रहे होंगे बिल्डिंग को, दूधिया लाइटों से जगमगा रहा है। ऐसा लगता है कि निहारते रहो, देखते रहो। ये पार्क में बच्चों को सड़क पट्टी बनाई गई है,
जैसा कि बैंड बाजे बज रहे हैं, बारात निकल रही है, ऐसे ही अटल एकता पार्क दुल्हन की तरह सजा हुआ है। खूबसूरती देखिए आप पार्क की, कहीं से नहीं लगेगा कि लंदन, पेरिस, हांगकांग, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सारा नज़ारा इस पार्क में देखने को मिलेगा आपको। आपको कहीं भी कमी नहीं खलेगी इंग्लैंड लंदन की। आज देवउठावनी है, हर जगह शादी की बारातें निकल रही हैं, धुन बज रही है बैंड की, गाना बज रहा है, आई एम अ डिस्को डांसर सुनाई दे रहा होगा। मज़ा लीजिए, नाचिए बारात का, और आज अच्छे अच्छे पकवान खाइए, क्योंकि आज सिलसिला चालू हो गया है। दावत ही दावत मिलेगी आपको। दिन का नज़ारा तो हमने आपको बहुत दिखाया, अब आप रात का नज़ारा देखिए। गेंदे के फूल चमचमा रहे हैं, ये पार्क की सुंदरता देखिए आप। जब इस पे चलेंगे आप रैंप पे, तो लगेगा कि हम विदेश में घूम रहे हैं। हकीकत में बोलता हूँ, एक बार आप आके देखिए पार्क को, मज़ा ना आ जाए तो पैसे वापस। पैसे वापस का मतलब कहावत है, कोई टिकट नहीं लगना है। आप सामने जो स्टैचू देख रहे हैं, ये माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का स्टैचू है, और ये पार्क का नाम भी अटल एकता पार्क रखा गया है। जैसा कि समाचार पत्रों से पता चला था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकता है अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करें। आप खूबसूरती देखिए, कितना मज़ा आ रहा है, बिल्डिंग कितना जलवा बिखेर रही है, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई गई है। अगर आपने कभी अटल एकता पार्क नहीं देखा तो मार्केट संवाद पर घर बैठ के मज़ा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन घास से अटल एकता पार्क लिखा है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, और हमारी झांसी खूबसूरत बन चुकी है इस समय। बड़े बड़े पेड़ पौधे, फूल, बाग बगीचा, सारा ऑक्सीजन से भरपूर है पार्क। एक बार आप आएंगे तो लगता है कि आप खूबसूरती देखते रहेंगे पार्क की। जैसे नई दुल्हन को गहनों से सजा दिया जाता है, ऐसे ही हमारी पूरी झांसी गहनों से, सुंदरता से सज चुकी है। पूरी झांसी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा होगा इस समय आपको। स्मार्ट सिटी, अब लगता है कि हाँ, हमारी झांसी स्मार्ट सिटी है। पेड़ों के बीच में जो लाइटें देख रहे हैं, कितना खूबसूरत लगता है। इस जमीन पर प्रदर्शनी लगती थी कुछ सालों पहले, आज चमन बरस रहा है, स्वर्ग सा नज़ारा दिख रहा है। ऐसा लगता है कि हम स्वर्ग में घूम रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमें स्वर्ग देखने को मिलेगा, हमने जीते जी स्वर्ग के दर्शन कर लिए हैं। आप भी मार्केट संवाद पर घर बैठकर दर्शन कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल की रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और घर बैठकर देखते रहें मार्केट संवाद। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।